लिया है। लोग कहते हैं सावित्री जी बोल क्या रही हैं, सावित्री जी बोल क्या रही हैं। अगर मैं संविधान की रक्षा की बात करूं, अगर मैं आरक्षण की रक्षा की बात करूं, अगर मैं संविधान की लागू कराने की बात करूं, तो हमको लोग कहते हैं सावित्री क्या बोल रही है, सावित्री क्या बोल रही है। अरे मैं तो चुनाव जीतने से पहले मैंने शपथ दिया था, शपथ पत्र दाखिल किया था कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे। चुनाव जीत कर क्या है, लोकसभा में मैंने शपथ लिया है कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेती हूँ और जो भी करूंगी वो भारत के संविधान के हित में करूंगी, भारत के संविधान को लागू कराने के लिए बात करूंगी। और अगर आज हम भारत के संविधान को लागू कराने की मांग कर रहे हैं, भारत के संविधान में दी गई व्यवस्था को आरक्षण को लागू कराने की बात कर रहे हैं, तो हमको कहा जा रहा है क्या बोल रही हूँ, क्या हम अपने हक किस अधिकार की लड़ाई न लड़े, क्या हम अपनी आवाज, हम भूखे हैं, तड़प रहे हैं, अगर हम लोकसभा में उठा रहे हैं तो हमारी आवाज को बंद होनी चाहिए। अगर हम जब तक आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि जब तक लड़का रोवे ना तब तक दूध पावे ना, हमको जनता ने इसीलिए जीत के भेजा है। पूरे भारत की जनता अनुसूचित जातियों के ऊपर निगाह उठा देख रही है कि कब अनुसूचित जाति के सांसद लोकसभा में आवाज को बुलंद करके हमारे हक इस अधिकार की लड़ेंगे। इसलिए भाइयों बहनों मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और संविधान आरक्षण को बचाने के लिए, भारत की संविधान आरक्षण को लागू कराने के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन भारत संविधान आरक्षण के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यही नहीं, अगर संविधान के लिए मुझे आरक्षण के लिए अपने महापुरुषों के लिए मुझे जान की भी बाजी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी।